हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बच्चे के लिए मसाज ऑयल कैसे बनाते हैं। ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून अजवाइन, 1 लहसुन, 1 कांदा, 1/2 टीस्पून हींग। ये मैंने पतंजलि का कच्ची घनी सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो कोई भी सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। अब राई का तेल से ही मालिश कीजिए। राई का तेल जो है बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, गैस होना चाहिए हाई फ्लेम पे। अब कढ़ाई में 1/2 लीटर सरसों ऐड करें। बच्चों के मालिश के लिए सरसों का जो तेल है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बहुत सारी खूबी है। अगर आप रेगुलरली सरसों का तेल से मालिश करी हो बच्चे को, तो आपके इस बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या नहीं होगी। जब तक ऑयल गर्म होता है, चलिए सबसे पहले कांदा कूट लेते हैं। कांदे को कूटने का फ़ायदा ये होगा कि इसके जो जूस है डायरेक्टली तेल में चले जाएंगे। कांदे के फ़ायदे बहुत होते हैं स्किन के लिए। कांदे में विटामिन ए और विटामिन सी और ई होता है। इससे स्किन मॉइस्ट रहती है और ग्लो भी करती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो कांदे का जूस लगाने से बाल झड़ना भी कम हो जाता है। कांदे के जूस के वजह से बच्चे का जो स्किन है हमेशा मॉइस्ट रहता है और ग्लो भी करता है। कांदे के साथ साथ अजवाइन के भी बहुत सारे फायदे हैं। अजवाइन की मालिश करने से बच्चे को सर्दी और खांसी नहीं होती है। अजवाइन का जो स्मेल होता है बच्चे को सुंघाने से उसे पेट दर्द की जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसी तरह लहसुन को भी कूट ले अच्छी तरह से, ताकि इसका जो रस है वो डायरेक्टली तेल में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल में धुआं निकलना शुरू हो चुका है। ये सही समय है अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने का। राई के तेल से मालिश करने से वात जैसी बीमारी नहीं होती है। अब इसके अंदर हींग ऐड कर दे। 2 सेकंड रुकना है, उसके बाद इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दे। अजवाइन डालते ही अजवाइन की खुशबू घर भर में फैल जाती है। ये जो तेल है ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी यूज कर सकते हैं। अब इस तेल में कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ कांदा ऐड कर दे। अगर आपके घुटने में दर्द हो तो इस तेल से मालिश करेंगे तो राहत भी मिल जाती है। ये तेल बहुत ही गुणकारी है, कोई भी यूज कर सकता है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सारी चीजें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हमने गैस मीडियम फ्लेम पे रखा है और 10 मिनट हमें इसी तरह से इसे पकाना है। अब 5 मिनट बीत चुके हैं, आप देख सकते हैं जो कांदा है वो काला हो चुका है। हमारा तेल है वो परफेक्ट बनकर रेडी है। तेल ठंडा होने के बाद इसे बोतल में भरकर रख दे। ये 1 महीने तक चलेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।